के ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने के लिए देसुरी सरपंच संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर मेवाड़ा के नेतृत्व में सरपंचों ने देसुरी विकास अधिकारी नारायण सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्ता एवं संवैधानिक वित्तीय अधिकारों पर कुठार ख्यात करते हुए ग्राम पंचायत के ब्याज रहित पीडी खाता खोल दिए गए हैं। पीडी खाते के कस्टेन सीधे राज्य सरकार होती है, ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से मिल रही वित्तीय स्वतंत्रता समाप्त की जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा सरपंच गणों को पीडी खाते के कोड जनरेट करने एंड लॉगिन आईडी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक और केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए IFMS सिस्टम लागू कर रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायतों की राशि को पीडी खाते में हस्तांतरित कर ग्राम पंचायतों के सामुदायिक विकास के हक एवं अधिकार की राशि कहीं अन्य में उपयोग करना चाहते हैं। साथ ही सरपंच संघ ने निर्णय लिया है कि प्रदेश का कोई भी सरपंच कोषालय उप कोषालय में DDO कोड जनरेट नहीं करवाएगा, ना ही लॉगिन आईडी बनाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा पूर्व में भी फरवरी 2020 में ग्राम पंचायत संघ के विरोध में एवं ज्ञापन पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 23 फरवरी 2020 को विभागीय स्तर पर पीडी खाते नहीं खुलवाने का निर्णय किया था। ज्ञापन देने के दौरान सरपंच जयदेव सिंह गोविंदपुरी, सोहनलाल जांगिड़, सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वी राज सिंह, जयराराम देवासी, पन्ना लाल इत्यादि मौजूद रहे। इनका कहना है कि पीडी खाते खोलने के लिए आदेश का देसुरी सरपंच संघ विरोध करता है। हम न तो DDO कोड जनरेट करवाएंगे, न ही लॉगिन आईडी बनवाएंगे। आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन हमें आशा है कि मुख्यमंत्री हमारी बात पर जरूर संज्ञान लेंगे। पूरा अन्याय है सर, और ये पीडी खाता नहीं खुलना चाहिए सर। हम विकलांग हो जाएंगे, ये जब चाहेंगे जब ट्रेजरी पे बैन लगा देंगे, और जब चाहेंगे तब ये कह देंगे पेमेंट नहीं होगा, हमारा जो बिल पास करने के लिए। राजस्थान सरकार ने जो ये पीडी अकाउंट खोलने का जो ये प्रस्ताव दिया है, पंचायतों को बाध्य किया है, उपखंड अधिकारी को बाध्य किया है, विकास अधिकारी को बाध्य किया है, ये पंचायतों के साथ कुटाराघात है। क्योंकि कोई भी बिल होगा वो ट्रेजरी में जाएगा, ट्रेजरी वाले इजीली पास नहीं करते हैं। भारत सरकार द्वारा पैसा भेजा गया, राजस्थान सरकार द्वारा पैसा भेजा गया, उस पैसे का दुरुपयोग राजस्थान सरकार करना चाहती है, इसलिए ये पीडी अकाउंट खुलाना चाहती है। ये पंचायतों के साथ में कुटाराघात है और पंचायतों के साथ में अन्याय है। हम किसी भी सूरत में ये ज्ञापन द्वारा कि जो सरकार ने जो आदेश निकाला है पीडी अकाउंट खोलने का, उनको निवेदन किया कि हमारे पीडी अकाउंट नहीं खोले जाए। कारण कि हम पहले मुंशी और सरपंच साइन करके लोगों का को पेमेंट कर सकते थे, अब ये उप कोषाधिकारी ट्रेजरी का जो चक्कर डाला है ये हमारे लिए बहुत घातक है और इसको हम नहीं चाहते हैं। हम विकास अधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया है, हम कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराकर 13 तारीख को उनको भी ज्ञापन देंगे, और ऐसी स्थिति हुई तो माननीय अशोक जी गहलोत को जयपुर जाकर भी इस चीज के लिए पूरी चीज अवगत कराएंगे। किंतु हम देसुरी पंचायत समिति की तरफ से हम पीडी अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। हम इससे वीडियो साहब को इन्होंने को स्पष्ट कह दिया है कि हमारे को और हमारे पंचायत मुंशी को आप दबाव नहीं डालोगे, हम पीडी अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। हम पीडी अकाउंट के खिलाफ